हेलो गाइस, वेलकम टू डिज्नी मल्टी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डिज्नी एक्सपो के बारे में, बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। तो आज है डे वन, 24 तारीख है, सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है। तो आज के दिन क्या क्या रिलीज हुआ डिज्नी एक्सपो में, तो सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक विडो के ऑफिशियली ट्रेलर के बारे में। तो फाइनली डिज्नी एक्सपो में ट्रेलर लॉन्च करा गया और साथ ही साथ उसकी नजर आई सेट फुटेज, जिसमें कि ब्लैक विडो नजर आ रही किसी से लड़ती हुई। लास्ट का फाइटिंग का सीन है जिसमें कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उनके जो बाल है, उनका सूट है, सब कुछ नया, काफी का ज्यादा कमाल का लग रहा है। और देन मैं तो ये कहना चाहूंगा जल्दी से हमें इसका ट्रेलर भी देखने को मिले। और साथ ही साथ हमें ये डिज्नी एक्सपो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है मार्वल फैंस के लिए, हमें काफी ज्यादा सरप्राइजेस पता चलने वाले हैं। तो इंतजार करिए कल का दिन, क्योंकि कल मार्वल स्टूडियो फेस 4 की भी मूवी रिलीज होंगी। बट उससे पहले लॉन्च हुआ स्टार वॉर्स की टाइमलाइन का फुल अपडेट। जिसको भी कंफ्यूजन था स्टार वॉर्स की टाइमलाइन का कि कहां से मूवी देखूं, तो वो ये पोस्ट देख लेना और ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। और साथ ही साथ डिज्नी प्लस ने अपना ऑफिशियली टीवी सीरीज का फेस 4 लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि सारी टीवी सीरीज दिखाई गई है, जिसमें कि सबसे पहले व्हाट इफ का अपडेट आया काफी कमाल का। तो व्हाट इफ के 23 एपिसोड होंगे और सबसे कमाल की बात तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 23 मूवीज भी है और व्हाट इफ में 23 एपिसोड भी है। तो समझ रहे हो ना क्या होने वाला है। उसी के साथ सबसे पहले टीवी सीरीज लॉन्च करी गई मिस मार्वल, काफी कमाल का, पहली मुस्लिम कैरेक्टर। इंतजार रहेगा कौन है इसके पीछे, कौन करेगा इसका रोल। उसके बाद मून नाइट, सब सोच रहे थे रात में कि मून नाइट के ऊपर कुछ आए, मून नाइट के ऊपर आया, फाइनली टीवी सीरीज आ रही लाइव एक्शन मून नाइट। उसके बाद काफी दमदार, सबसे ज्यादा मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ शी हल्क। जी हाँ, पर एक बैड न्यूज भी है, आने वाले टाइम में हल्क हमें दिखाया नहीं जाएगा, तो इसलिए शी हल्क को इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है जिससे कि ए फोर्स टीम को ये ज्वाइन कर सके। उसके बाद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से रिलेटिव काफी कमाल का अपडेट, इसका जो पहला या दूसरा एपिसोड होगा उसमें पैगी कार्टर दिखाई जाएंगी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में। ये एक एनिमेशन टीवी सीरीज है जिसमें कि कैप्टन अमेरिका की जगह पैगी कार्टर को सेलेक्ट करा जाता है एक सुपर सोल्जर के लिए। तो काफी कमाल की स्टोरी होने वाली है। और कल के दिन शायद रिवील्ड भी हो जाएगा जोम्बी वाला एपिसोड, जी हाँ, जिसमें कि हमें कैप्टन अमेरिका या काफी सारे एवेंजर्स दिखाए गए जाएंगे जोम्बी वाले। तो इंतजार करिए कल के दिन का मूवीज, टीवी सीरीज, कौन कौन से एपिसोड आने वाले हैं व्हाट इफ में। और उसी के साथ डिज्नी प्लस यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लेता फेस 4 टीवी सीरीज, अब मूवीज का इंतजार है। अब बात करते हैं वांडा विजन की कास्ट के बारे में। तो आपने इनको देखा होगा थॉर की मूवी में, जो कि है कैट, ये अब आ रही है वांडा विजन में। अब इनका कैरेक्टर तो यही रहेगा, पर काफी कमाल का और इंटरेस्टेड होने वाला है कि ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। उसी के साथ बात करेंगे उस पुलिस मैन के बारे में जो कि एंटमैन के पीछे पड़ा हुआ था, यानी कि रैंडल, इनका ऑफिशियली नेम है, ये भी वांडा विजन सीरीज में आ रहे हैं। और इस वांडा विजन सीरीज में एक और कैरेक्टर कास्ट करा गया, अब इनका रोल पता नहीं चला है, पर मुझे लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टेड कैरेक्टर ये निभाने वाली है। अब देखते हैं कि क्या होगा वांडा विजन में, और टाइमलाइन का तो काफी ज्यादा झूलझाल होने वाला है। उसी के साथ एवेंजर एंड कंफर्म हो चुकी है कि वो 11 नवंबर को आएगी डिज्नी प्लस पे और 12 नवंबर को रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड, जिसमें कि इंडिया का नाम तो बिल्कुल नहीं है। उसी के साथ ग्रैंड मास्टर रिटर्न हो रहे हैं थॉर में, जी हाँ, इंतजार रहेगा ग्रैंड मास्टर का, जो कि काफी ज्यादा कॉमेडी करते हैं। और अब अगला अपडेट है काफी कमाल का, वेलकरी के पीछे देखिए वॉचर और सेलेस्टियर दिखाए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर प्रमोशन हो रहा था एवेंजर एंड गेम के कौन सा पार्ट का, और इसमें रिवील करेगा सेलेस्टियर और वॉचर, जो कि शायद अपकमिंग इंटरनल्स के लिए एक इशारा है। और शेरन कार्टर भी कंफर्म, जो कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जो कि केविन फेगी ने कल के दिन कंफर्म करा लाइव सेक्शन में, मजा आने वाला है। देन उसी के साथ यूएस एजेंट खतरनाक ब्लैक बर्ड दी एक शील्ड हाथ में, रसल इसका रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में आने वाला है, तो ये भी बंदा बहुत खतरनाक है। उसी के साथ एक रूमर आया था कि थॉर की स्क्रिप्ट कंफर्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, पर उसके डायरेक्टर थॉर के ने बता दिया कि एक रूमर है, मैंने सिर्फ अभी पहला पेज ही कंप्लीट करा है। देन अगला अपडेट है काफी कमाल का, हमारे सबके फेवरेट रॉबर्ट डॉनी जूनियर, यानी कि एके आयरन मैन, यानी कि टोनी स्टार को लेजेंड अवार्ड मिला है। जी हाँ, मार्वल सिनेमैटिक की तरफ से लेजेंड अवार्ड, तो मजा आने वाला है। और मैं तो ये कहूंगा ये इसी तरीके से आगे तरक्की करें। उसी के साथ एक डीसी का अपडेट है छोटा सा, इससे कोई कनेक्शन तो है नहीं है, टोटल फिल्म का ऑफिशियली मैगजीन कवर लॉन्च करा गया है जोकर का, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ये मूवी आर रेटेड भी है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। उसी के साथ बैटमैन की शूटिंग स्टार्ट होगी जनवरी 2020 से, सुसाइड स्क्वाड की सितंबर 2019 से, और ब्लैक एडम की स्टार्ट होगी मई 2020 से, ये शूटिंग डेट है, तो देखिए इंतजार करिए। गेम ऑफ थ्रोन्स के कैट्स हैरिंगटन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ज्वाइन कर चुके हैं, और फैन का मानना है कि ये पॉसिबली वुल्वरीन का रोल प्ले कर सकते हैं, और मेरा कहना मतलब है कि शायद कोई सा भी रोल करे, पर करे जरूर, और ज्वाइन तो कन्फर्म हो चुके हैं। डिज्नी ने कन्फर्म कर दिया कि डेडपूल को वो रिबूट नहीं करेंगे, कास्ट सेम रहेगी। उसी के साथ डिज्नी की एक और रिपोर्ट आई है कि वो 25% लेने को तैयार है सोनी से, पर अपकमिंग मार्वल मूवीज स्पाइडरमैन के लिए। अब देखते हैं कि सोनी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं कुछ वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं, और डे 2 का इंतजार करना। Hello.